नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निक ऑडियंस में। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी चाइनीज़ कार लेकर के आया हूं जो कि माइलेज प्रोड्यूस करती है 200 किलोमीटर पर लीटर का। अभी हमारे सामने है ग्रेट वॉल मोटर्स की तरफ से आने वाली ये एसयूवी कार जिसका नाम है हवल H6। ये कार इंडिया के अंदर डायरेक्टली कॉम्पीट करने वाली है MG हेक्टर, टाटा हैरियर और XUV700 जैसी कार्स के साथ में। सबसे खास बात इस कार के बारे में यही रहने वाली है कि ये कार आधे लीटर फ्यूल में आपको 100 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करने वाली है। और ये कोई नई कार नहीं है, आपको बता दूं हमारी कंट्री जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में इस कार को काफी टाइम पहले से चलाया जा रहा है, काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। क्योंकि ये एक चाइनीज कार है तो इसके प्राइस भी बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रहने वाले हैं। इसी के साथ इस कार के अंदर आपको फीचर्स भी बहुत ही ज्यादा कमाल के देखने के लिए मिलने वाले हैं। एक बड़े साइज की पैनारोमिक सनरूफ मिल जाती है, लेवल 2 के एडास सिस्टम इस कार के अंदर दिए गए हैं। अब इस कार का काफी ज्यादा अफोर्डेबल होने का सबसे बड़ा एक रीजन ये भी है कि इसके अंदर हमें सिर्फ 1.5 लीटर का टर्बो इंजन देखने के लिए मिलता है, तो इंजन ज्यादा बड़ा नहीं है, इसी वजह से ये कार काफी ज्यादा अफोर्डेबल बन जाती है। आज हम इस कार का करने वाले हैं फुल डिटेल रिव्यू, प्राइस से लेकर परफॉर्मेंस, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, फीचर, सभी चीजों के बारे में खुलकर बात करेंगे। अलावा देखेंगे क्या इस कार की लॉन्चिंग डेट रहने वाली है, तो कुछ भी मिस ना हो इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कार की डायमेंशंस के बारे में। आपको बता दूं इस कार की लेंथ रहने वाली है 4683 mm की, 1886 mm की विड्थ मिलती है, हाइट यहां पर रहने वाली है 1730 mm की। कमाल का व्हील बेस है 2738 mm का। बात करें ग्राउंड क्लीयरेंस की तो वो सुनकर आप थोड़े से निराश हो सकते हैं, सिर्फ 175 mm का यहां पर हमें इस कार के अंदर ग्राउंड क्लीयरेंस मिलने वाला है। बात कर लेते हैं इस कार के लुक्स के बारे में और शुरुआत करेंगे कार की फ्रंट प्रोफाइल से। ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल कार की कुछ ये रहने वाली है, भर भर कर इसकी फ्रंट ग्रिल पर क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से हमें MG की कार्स में देखने के लिए मिलता है। ये एक चाइनीज कार है तो यहाँ पर भी इसकी फ्रंट प्रोफाइल से साफ ये जाहिर हो जाता है। इसके अलावा LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पर दिए गए। नीचे की तरफ आपको बाई फंक्शनल LED DRLs और इंडिकेटर का सेटअप यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट ग्रिल पर बड़े से साइज की यहाँ पर हवल की बैचिंग है और इसी के नीचे आपको इसमें फ्रंट कैमरा मिल जाता है। लोअर ग्रिल के पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक रेडार बेस एडास सिस्टम मिलता है, क्योंकि इस कार के अंदर हमें लेवल 2 एडास सिस्टम दिया गया है। नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर फोग लैंप्स की भी प्लेसमेंट मिल जाती है, जो कि अगेन हमें LED में मिलने वाले हैं, जो कि आजकल इंडिया के अंदर फैशन एक तरीके से आउट हो गया, अब आपको ये कम ही देखने के लिए मिलते हैं। बात करें एडास के अंदर मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स के बारे में। कार के अंदर हमें इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलाइजन असिस्ट, इसके अलावा लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा जैसे शानदार फीचर्स हमें इस कार के अंदर मिल जाते हैं। बढ़ते हैं एक बार कार की साइड प्रोफाइल की तरफ, जो कि ये कुछ रहने वाली है। सबसे पहले बात करें व्हील्स के बारे में तो यहाँ पर आपको 19 इंच के अलॉय मिलते हैं। फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक का सिस्टम यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। बात करें साइड मिरर्स की, यहीं पर आपको साइड इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिलेगी, साइड व्यू कैमरा भी यहाँ पर दिया गया है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के साथ में आपको इसके साइड मिरर्स मिलने वाले हैं। रूफ पर देखेंगे, रूफ रेल्स यहाँ पर दी गई हैं, एक बड़े साइज की पैनारोमिक सनरूफ भी आपको इस कार के अंदर ऑफर की जाती है। चेकआउट कीजिए एक बार कार की रियर प्रोफाइल को, जो कि ये कुछ मिलती है। फुल्ली कनेक्टिंग यहाँ पर LED टेल लैंप्स हमें मिलने वाले हैं। नीचे की तरफ बड़े से साइज की हवल की यहाँ पर बैचिंग मिल जाती है, रियर व्यू कैमरा, क्रोम का भरपूर इस्तेमाल यहाँ पर भी किया गया है। राइट साइड में हमें मिलती है GWM की बड़ी सी बैचिंग और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर हमें PHEV यानी प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैचिंग मिल जाती है। इसके अलावा रियर में आपको हाई माउंट स्पॉट लैंप, वाइपर, डिफोगर, इसके अलावा रियर व्यू कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर्स, नीचे आप देखेंगे रियर बम्पर आपको ब्लैक फिनिश में मिलने वाला है। इसके अलावा ग्लाइडिंग का ओवरऑल पार्ट भी आपको ब्लैक फिनिश में ही मिलता है। कार के इंटीरियर की तरफ उससे पहले बात कर लेते हैं इस कार की कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में। आखिर क्या वो प्रोसेस है जिसके द्वारा ये कार आपको 200 किलोमीटर का शानदार माइलेज प्रोड्यूस करती है, या फिर एक चाइनीज कंपनी हमें चूना ही लगा रही है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको बता दूं ये कार एक प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, यानी कि इस कार के अंदर हमें एक बड़े साइज का बैटरी पैक दिया गया है। बात करें इस साइज की, 34 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक हमें इस कार के अंदर ऑफर किया जाता है, जिसके साथ में आपको सिंगल चार्ज में रेंज मिलती है 200 किलोमीटर की। यानी कि इसका मतलब साफ हो जाता है कि अगर आप इस व्हीकल को एक बार घर से चार्ज कर निकलते हैं तो उसके बाद में आप 200 किलोमीटर तक आप इस व्हीकल को रन कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपकी कार में फ्यूल है तो आप 19.2 KMPL के माइलेज के साथ में इस कार को पेट्रोल पर भी रन कर सकते हैं। यहां पर साफ हो जाता है कि आपको इस कार में सिंगल चार्ज में 200 किलोमीटर की रेंज मिलती है, जिसे यहां पर हवल बताता है कि आपको माइलेज मिलता है, लेकिन ये माइलेज नहीं है बल्कि एक बड़े साइज का बैटरी पैक है, जो कि हमें इंडिया के अंदर नेक्सोन जैसी कार्स के अंदर देखने के लिए मिलता है, जिसके साथ में 200 किलोमीटर्स की हमें रेंज मिल जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप माइलेज देखते हैं तो आपको 19.2 KMPL का मिलता है। आपका एक बार बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसके बाद में हाइब्रिड सिस्टम वर्क करता है, जिसके साथ में आपको 19.2 KMPL का शानदार माइलेज मिल जाता है, जो कि इतना भी बुरा नहीं है। सेगमेंट की कार में हमें किसी और कार में इतना माइलेज देखने के लिए नहीं मिलता। चेकआउट कर लीजिए एक बार कार के इंटीरियर को, जो कि ये कुछ रहने वाला है। यहाँ पर 3 स्पोक आपको स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलेगा, सेंटर में हवल
की बैचिंग मिल जाती है, आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाते हैं, इसके अलावा इसके डिजिटल मीटर से जुड़े सभी कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। कुल मिला के आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। इंटीरियर नो डाउट काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, 10.25 इंचेस का यहाँ पर डिजिटल कलरफुल मीटर में देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर में एडास के सभी फंक्शंस मिल जाते हैं। एंटर में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 12.3 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसके साथ में आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सभी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। नीचे की तरफ आपको कुछ मैनुअल कीज़ मिल जाते हैं हैजार्ड के लिए और बाकी कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी दिया गया है, वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, एक नॉब मिल जाती है आपको इसके पार्क मोड, रिवर्स और ड्राइव मोड में शिफ्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, हिल स्टार्ट असिस्ट, इसके अलावा ऑटो होल्ड के लिए भी यहाँ पर एक स्विच दिया गया है। चेकआउट करते हैं एक बार कार की सेकंड रो को, तो यहाँ पर आपको स्पेस तो भरपूर मिलने वाला है क्योंकि कार की लेंथ वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की आपको ऑफर की जाती है। इसके अलावा 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं, रियर में आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा जो इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, ऊपर की तरफ आपको एक बड़े साइज की पैनारोमिक सनरूफ मिल जाती है, जो कि आपको ज़्यादातर चाइनीज कार में हमेशा देखने के लिए मिलती ही है। बात कर लेते हैं इस कार के अंदर मिलने वाले इंजन के बारे में, तो आपको बता दूं इस कार के अंदर में 1.5 लीटर यानी 1499 सीसी का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलता है, जो कि मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 150 पीएस की। इसी के साथ में 230 न्यूटन मीटर का शानदार टॉर्क मिलता है, लेकिन ये सिर्फ इसकी अधूरी कहानी है क्योंकि इस कार के अंदर में हाइब्रिड सिस्टम मिलता है, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो यहाँ पर हमें एक बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर भी दी जाती है। तो बात करें इलेक्ट्रिक मोटर की पावर के बारे में, ये इलेक्ट्रिक मोटर 177 पीएस की पावर और 300 न्यूटन मीटर का शानदार टॉर्क प्रोड्यूस करती है। जब ये इलेक्ट्रिक मोटर इंजन के साथ में कंबाइन हो जाती है, तो यहाँ पर हमें कंबाइन होकर कमाल की पावर देखने के लिए मिलती है, 243 पीएस की पावर और 530 न्यूटन मीटर का शानदार टॉर्क यहाँ पर कुल मिला के ओवरऑल ये कार प्रोड्यूस करती है, जो कि अगर आप कंपेयर करते हैं फॉर्च्यूनर के साथ में, फॉर्च्यूनर सिर्फ 200 हॉर्स पावर और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है, तो ये कार 1.5 लीटर इंजन होने के बावजूद भी एक 2.8 लीटर के डीजल इंजन से ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं एक प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के कितने ज़्यादा फायदे होते हैं। एक तो आपको माइलेज कमाल का मिल जाता है, उसके बाद में आपको एक छोटे इंजन के साथ में पावर भी बहुत ही ज़्यादा कमाल की मिल जाती है। माइलेज जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बार बैटरी को चार्ज करने के बाद में आप 200 किलोमीटर तक रन कर सकते हैं, 6 से 8 घंटे लेती है ये बैटरी 0 से 100% फुल्ली चार्ज होने में। उसके बाद में आप इस कार को 200 किलोमीटर तक रन कर सकते हैं, उसके बाद में आप 19.2 kmpl के माइलेज के साथ में इस कार को पेट्रोल पर भी रन कर सकते हैं। बात करें कॉस्ट की, तो इस कार के अगर आप प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वर्जन को लेते हैं, तो यहाँ पर इसकी कॉस्ट आपको पड़ती है 35 लाख रुपीज़, और अगर आप लेते हैं इसका सिर्फ एक नॉर्मल स्मार्ट हाइब्रिड वेरिएंट, तो उसमें आपको कॉस्ट पड़ती है सिर्फ 25 लाख रुपीज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस्ट बहुत भी ज़्यादा नहीं है इस व्हीकल की। उसके बाद में आपको पावर, माइलेज, सभी चीज़ें, फीचर्स और लुक्स कमाल के मिल जाते हैं। बात करें लॉन्चिंग डेट के बारे में, तो इस कार को अभी तक इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया जाता है, अगर इंडिया और चाइना के संबंध इतने ज़्यादा ख़राब नहीं होते। हालांकि इस कार को पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है और ये पहले से वहाँ पर चल भी रही है, तो हो सकता है इस कार को 2025 में इंडिया के अंदर भी लॉन्च कर दिया जाए। ये कार आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को।